हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लाई हूं उसका टाइटल है नेचर्स गिफ्ट। जिप्सी जिराफ पेड़ से तोड़कर हरी हरी पत्तियां खा रहा था, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसकी नजरें ऊपर उड़ गईं। पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर जंपी बंदर बैठा हंस रहा था। तुम अकेले बैठकर क्यों हंस रहे हो? जिप्सी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी गर्दन देखकर मुझे दिल्ली की कुतुब मीनार याद आ गई। जंपी फिर खीखी कर हंस पड़ा। जिप्सी बुरा सा मुंह बनाकर एक ओर चल दिया। कुछ दूरी पर गन्ने का खेत था, जहां चिंटू हाथी आराम से गन्ने खा रहा था। जिप्सी को आते देख वह गन्ना खाना भूल गया और एक टक उसे निहारने लगा। क्या वह भी अजीब सी गर्दन देख रहा था? सोचते हुए जिप्सी आगे बढ़ा। रास्ते में उसने पीलू हिरन, व्हाइटी खरगोश, नौटी भालू आदि सभी जानवरों को अपनी गर्दन को घूरते हुए ही पाया। इन सभी जानवरों के पास सुंदर गर्दन है, बस उसी की गर्दन इतनी लंबी और अजीब सी है। क्या करे वह अपनी इस लंबी गर्दन का, कैसे जानवरों से छुपाए? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन सुबह जिप्सी ने अपनी गर्दन पर ढेर सारे रंग बिरंगे स्कार्फ लपेट लिए। उसकी अलमारी में जितनी भी टाई रखी थी उन्हें पहनकर उसने बो भी लगा लिया। उसने स्वयं को शीशे में निहारा और खुश होते हुए चल दिया बगीचे में। अभी वह बगीचे में घुसा ही था कि जंपी की खीखी सुनाई दी। अब क्या है? जिप्सी ने आंखें तरेरी। देखो ना, इतने स्कार्फ, टाई और बो भी तुम्हारी गर्दन को छिपा नहीं पा रहे। की 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 की। जिप्सी ने गुस्से से जंपी को घूरा और वहां से नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां बड़े बड़े घने पेड़ थे। उसने खुद को एक पेड़ के पीछे पत्तियों में छिपा लिया। तभी वहां टिंग टिंग कछुआ आया। जिप्सी को पेड़ के पीछे खड़ा देख वह बोला, अरे जिप्सी, यहाँ क्यों खड़े हो? जिप्सी ने अपनी गर्दन से पत्तियां हटाई और उदास होकर बोला, मुझे अपनी गर्दन बिल्कुल पसंद नहीं, चाहता हूँ इसे कोई न देखे। क्यों? टिंग टिंग ने बड़ी आंखें करते हुए बोला, अपनी इतनी सुंदर गर्दन को तुम बदसूरत क्यों बता रहे हो? मुझे तो मेरी गर्दन बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे तो तुम्हारी गर्दन बहुत पसंद है। जिप्सी ने टिंग टिंग को गौर से देखा। मैं सच कह रहा हूं दोस्त, मेरी गर्दन बहुत खराब है। नहीं नहीं, तुम्हारी गर्दन बहुत सुंदर और काम की है। तुम इससे पेड़ की ऊंची डालियों पर लगी पत्तियां आराम से खा सकते हो, अपने दुश्मन को भी दूर से देख लेते हो। काश मेरी गर्दन भी तुम्हारे जैसी होती। टिंग टिंग की आंखों में आंसू आ गए। जिप्सी हैरान हो उठा। तुम्हारी यह छोटी सी गर्दन मुझे कितनी प्यारी लगती है। जैसे ही तुम्हारा दुश्मन आता है, यह अपने खोल के भीतर घुस जाती है। टिंग टिंग अफसोस करते हुए बोला, किंतु मैं तुम्हारी तरह ऊंचे पेड़ों पर लगी पत्तियां और फल नहीं खा सकता। अब देखो ना, मेरी केले खाने की इच्छा है। पिछले 10 दिन से मैं इस पेड़ के नीचे केले गिरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। टिंग टिंग ने हसरत भरी निगाह से केले के पेड़ पर आग डालते हुए कहा। बस इतनी सी बात, कहते हुए जिप्सी ने केले तोड़कर टिंग टिंग के सामने रख दिए। टिंग टिंग ने स्वाद लेकर खूब केले खाए। अब जिप्सी बोला, टिंग टिंग, आज तुम्हारी बातों से मुझे एक सीख मिली है। प्रकृति ने हर प्राणी को अलग बनाया है। उसके हर अंग की उपयोगिता उसकी जरूरत के हिसाब से है। इसलिए हमें जो कुछ प्रकृति ने दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो जिप्सी, तुम्हारी वजह से ही आज मुझे अपनी गर्दन की उपयोगिता समझ में आई है। तो फिर आज से हम दोनों पक्के दोस्त हुए ना? जिप्सी ने मुस्कुराते हुए टिंग टिंग के गले में लाल रंग की टाई पहनाते हुए पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल पक्के दोस्त, टिंग टिंग ने भी जवाब दिया।
तभी वहां उछलता कूदता जंपी आ गया और बोला, भाई तुम दोनों की जोड़ी भी अजीब है। एक की गर्दन शुरू होते ही खत्म हो जाती है और दूसरे की शुरू होते ही खत्म होने का नाम नहीं लेती। किंतु आज जिप्सी ने उसके मजाक का बुरा नहीं माना। हो होकर हंसता हुआ वह टिंगटिंग का हाथ पकड़कर एक ओर चल दिया। लंबी गर्दन और छोटी गर्दन वाले इन दोनों दोस्तों से सभी जानवर अब बहुत प्यार करने लगे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हर व्यक्ति हर वस्तु इस प्रकृति में भिन्न प्रकार की है, कोई भी एक जैसा नहीं है। और जो दूसरे के पास वस्तु है, आवश्यक तो नहीं कि वो हमारे पास भी हो। और यदि वो वस्तु हमारे पास नहीं है तो हमें इसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारे गुण हैं, जो हमारी शरीर है और जो हमारी वस्तुएं हैं, उस पर हमें गर्व करना चाहिए और उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। तभी हम सुखी रह सकते हैं और हम दूसरों का भी उपकार कर सकते हैं। ओके, बाय।